जय भीम, जय जोहार। मीना कोटवाल के साथ आप देख रहे हैं जन की बात। जेएनयू के पूर्व छात्र और एक्टिविस्ट उमर खालिद को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक उमर खालिद को दिल्ली हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। उमर खालिद का नाम पहली बार खबरों में फरवरी 2016 में जेएनयू छात्र नेता रहे कन्हैया कुमार के साथ आया था। उन्हें गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है। उन्हें शनिवार को ही तलब कर लिया गया था और रविवार 13 सितंबर को उन्हें 11 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि हम ये पहले भी बता चुके हैं कि मौजूदा सरकार में इस तरह के गिरफ्तारी के मामले बढ़ गए हैं। ऐसे ही एक जाकिर अली त्यागी हैं, जिनका कहना है पुलिस ने उन्हें भी दो बार झूठे केस में फंसाया है। और टारगेट होने के लिए नाम सिर्फ मुसलमान ही काफी है, और मैं नाम मुसलमान सिर्फ इस काफी है इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुस्लिमों को ही टारगेट किया गया है। आपको मैं खुद का एग्जाम्पल देता हूँ कि जब उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ सीएम पद की शपथ लेते हैं तो वो गोरखपुर में अपने भाषण में कहते हैं कि गुंडे बदमाशों भी छोड़कर चले जाएं, वरना उनकी दो ही जगह होंगी, या तो जेल या कब्रिस्तान। यानी जो फिर मैं उस पर सोशल मीडिया पर पलटवार करते हुए योगी आदित्यनाथ के पल बयान पर पलटवार करते हुए एक फेसबुक पर पोस्ट लिख देता हूँ जिसमें लिखता हूँ कि मेरी क्या मजाल योगी जी, जो आप पर जो आपको कह सकूं कि आप पर भी 28 मुकदमे दर्ज है जिनमें 22 बहुत गंभीर है। बस इसी बात पर एतराज जताते हुए उत्तर प्रदेश ने मेरे इस पोस्ट को जो है जुर्म मानते हुए मुझको गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार करके 42 दिनों तक जेल में रखा गया और मुझ पर सेडिशन का मुकदमा दर्ज किया गया। एनसीआरबी के अनुसार दलितों, आदिवासियों और मुस्लिमों की संख्या जेल में देश में उनकी आबादी के अनुपात से अलग है। यानी जितनी जनसंख्या उनकी है उनके अनुपात के हिसाब से जेल में उनकी संख्या ज्यादा है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी और सवर्णों के मामले के साथ ऐसा नहीं है। हैरान करने वाली बात ये है कि वर्ष 2019 के आंकड़े ये भी बताते हैं कि हाशिए पर पड़े समूह में मुसलमान भी एक ऐसा समुदाय है। ऐसा क्यों है, इसके बारे में विस्तार से बात कर रहे हैं एडवोकेट महमूद प्राचा, जो दिल्ली दंगा पीड़ितों की इंसाफ दिलाने में जुटे हैं। उमर खालिद की अरेस्ट, जिसको प्राइम अक्यूज्ड बताया जा रहा है इस केस में, उसकी टाइमिंग पार्लियामेंट से जस्ट पहले करना इस बात का साफ सबूत है, पुख्ता सबूत है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है। और वो पॉलिटिकल एजेंडा है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को डाइल्यूट करके और मनुस्मृति को लागू कराना, इसके अलावा कुछ इनका एजेंडा है नहीं, साफ साफ तौर सर। इस टाइम पे जो है सरकार के खिलाफ या उनकी नीतियों के खिलाफ जो भी मुखर होकर बोल रहा है उनको, मतलब सरकार उन्हें जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं सर, यही सब हो रहा है। देखिए, पहली चीज ये है कि सबसे पहले तो कोई भी सरकार के खिलाफ आवाज अंबेडकरवादी नहीं उठा सकता, या जो मनुवादी मानसिकता से नहीं है उसके लिए खास तौर पे सरकार जो है ज्यादा सख्ती से कदम उठाती है। बहुत सारे और भी लोग हैं जिनको इनडायरेक्टली, जो मनुवादी मानसिकता के हैं, इनडायरेक्टली सरकार जो है उनको अपोजिशन का रोल भी हाईजैक करने के लिए प्रमोट करती है, ये एक आस्पेक्ट। दूसरा, जो अंबेडकरवादी है उनको जबरदस्त तरीके से दबाया जाता है, कुचला जाता है, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हो, स्टूडेंट्स हो, प्रेस वाले हों। और दिल्ली के जो ये हमले हुए हैं, जो आरएसएस स्पॉन्सर्ड थे, जो होम मिनिस्ट्री में जो उनके पॉलिटिकल लीडर्स बैठे हैं उनकी उनसे उनके द्वारा स्पॉन्सर्ड थे दिल्ली पुलिस की पूरी मदद के साथ, उसमें तो आप देखेंगे कि प्रेस वालों के ऊपर भी और यहां तक कि मेरे ऊपर भी, मुझे भी झूठे मुकदमों में फंसाने के लिए एक के बाद एक कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि मैं इन केसेस में एज अ वकील हेल्प कर रहा हूं जिन लोगों को झूठा फंसाया जा रहा है या जिन लोगों के मुकदमे दर्ज नहीं किए जा रहे हैं, जो विक्टिम्स हैं आरएसएस और बीजेपी के नेताओं के खिलाफ और पुलिस के खिलाफ। उमर खालिद के अलावा दिल्ली दंगों में दिल्ली पुलिस ने एक सप्लीमेंट्री यानी पूरक चार्जशीट दाखिल की है, जिनमें सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, स्वराज अभियान के नेता योगेंद्र यादव, अर्थशास्त्री जयती घोष, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वानंद और डॉक्यूमेंट्री फिल्मकार राहुल रॉय को नामजद किया है।
अपूर्वानंद बताते हैं कि सरकार उन नामों को चुन रही है जो नागरिकता संशोधन के खिलाफ बोल रहे थे। कि दिल्ली में जो फरवरी में हिंसा हुई उसकी जांच के नाम पर दरअसल उन सारे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जो लोग भारत सरकार की नीतियों का विरोध करते रहे हैं। ये नीतियां भारत में विभेद पैदा कर रही हैं, घृणा पैदा कर रही हैं, लोगों के बीच अलगाव पैदा कर रही हैं, विभाजनकारी हैं, और इसलिए समझदार लोग सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। नागरिकता के नए कानून का विरोध, NRC का विरोध वे ही लोग कर रहे थे जो भारत को एक रखना चाहते हैं, जो भारत के संविधान के मूल्यों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, जो न्याय, बराबरी, इन 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 मूल्यों को, बंधुत्व के मूल्यों को, जो संविधान की प्रस्तावना के मूल्य हैं, इन सारे मूल्यों को ऊंचा रखना चाहते हैं। इन सारे लोगों ने नागरिकता के नए कानून के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था, चलाया था, उसका समर्थन किया था। उन सारे लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाना, उन दिमागों को निशाना बनाना जो सोच सकते हैं, उन लोगों को वो सोच तो तब भी पाएंगे जब वो जेल में रहेंगे, लेकिन उनकी बात जनता तक ना पहुंचने देना, उनको लंबे समय तक जेल में रखकर, इसके पीछे जो साजिश है उसे हमें समझने की जरूरत है। बोल की लब आजाद है तेरे, बोल जबां अब तक तेरी है। आखिर में बस यही कहना चाहूंगी कि फैज अहमद फैज के अनुसार हमारी जबां आजाद तो हो चुकी है, लेकिन असल में 21वीं सदी में उस पर एक अनदेखा पहरा लगा हुआ है जिसे तोड़ने पर सजा दी जाती है। आज बस इतना ही। जुड़े रहिए द शूद्र के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। द शूद्र के लिए मीना कोटवाल, जय भीम, जय जोहार। साथियों, अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करने वाले नेशनल बहुजन मीडिया को स्थापित करने में द शूद्र की आर्थिक मदद करें। आप सीधे हमारे अकाउंट नंबर में मदद भेज सकते हैं। बेनिफिशियरी नेम है द शूद्र, अकाउंट नंबर है 2233009468935। IFSC कोड है RATN0VAAPIS। ध्यान दीजिए, IFSC कोड में RATN के बाद 0 है, ओ नहीं। बैंक का नाम है RBL और ब्रांच है मुंबई। आप हमें 8595794224@ पेटीएम पर UPI के जरिए भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। पेटीएम, गूगल पे और फोन पे के लिए हमारा एक ही नंबर है 8595794224। जय भीम, जय भारत।